हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जो वंचित समुदायों के अधिकारों के लिए काम करती हैं। जैसी मेरी दोस्त चली गई एक अपना डिसीजन लेकर उस हिंसा के बाद, मेरा ठीक उल्टा हुआ और मैंने ये सोचा कि हिंसा नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता है कि तब मैं मेरे ऊपर जो जिस तरह से जो मैंने पढ़ा था या पिताजी के जो संस्कार थे उसका जो असर था वो ये था कि हाथ नहीं उठा रहा है। और ये इस तरह की हिंसा का अगर हम हिंसा से ही जवाब देंगे तो किस तरह का समाज हम चाहते हैं, कौन सा जो सपना हमारे सामने उस सपने तक नहीं पहुंच पाएगी। तो शौर्य को समझना है, वीरता को समझना है, तो निडर होना बहुत जरूरी है। और किसी सत्ताधीश के सामने आप निडरता से खड़े रहते हो, हम नहीं डरेंगे, वो उनको डरा सबसे ज्यादा डराने वाली बात होती है। लोग नहीं डरेंगे ये बात, ये इस बात से वो बहुत डरते हैं। जो गांधी जी ने कह रखा है कि एक हृदय ने दूसरे हृदय का दर्द जानना, ये भी एक अहिंसा और अहिंसात्मक विचारों का की बुनियाद बनाता है। तो वो समझना और दूसरों के लिए प्यार होना, सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए प्यार होना, इंसानों प्रति प्यार होना, ये भी अहिंसा का एक पहलू है। तो वो और मुझे लगता है कि आदिवासी समाज में जिस तरह की सामूहिकता है, जिस तरह से सृष्टि से, प्रकृति से प्यार है, ये पहले से कुछ एक नींव बनाता है। और जो जिस नींव पर संगठन खड़ा हुआ, वो उस पूरी रैली से ही जो ब्यूरोक्रेट्स भी थे उन सबने ये देखा कि पहली बार इतनी शांति से, डिसिप्लिन से 30 किलोमीटर चलती हुई रैली पहुंचती है अलीबाग। कोई हिंसा की बात नहीं है, कोई नारेबाजी बिल्कुल थी लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं है और अहिंसा से हो रहा है। पुलिस ऑफिसर भी बहुत इंप्रेस थे। और ये एक दो का साहस नहीं था, ये कम्युनिटी का, एक पूरे समुदाय का साहस बढ़ाने वाली बात थी। और फिर पूरे एरिया में ये फैल गया कि अब संगठन यहाँ पर है, अब हम नहीं सहेंगे अन्याय अत्याचार। तो उसके भी फिर नारे आ गए कि सोचना नहीं आम्ही अत्याचार, आम्ही लड़ाईला हो तैयार। लेकिन इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा नारा था कि हमला चाहे जितना होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। जिनको अहिंसा पूरे विचारों के साथ, जिनके दिमाग में नहीं है, उनके लिए प्रैक्टिकली ये बात है कि आप अगर पत्थर उठाओगे तो उनके पास गन है, वो आपको बंदूक से मारेंगे। आप जो भी हथियार, क्योंकि स्टेट के पास ज्यादा हथियार है। लेकिन अहिंसा के जिन्होंने विचारों से अहिंसा को चुना है, उनके लिए ये सिर्फ प्रैक्टिकलिटी या प्रैग्मेटिक बात नहीं है, वो तो एक जिंदगी की समझ की बात है, जिंदगी के समझदारी की बात है और संस्कृति की समझदारी की भी बात है। आज तक जो भी पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का सफर रहा है उसमें हिंसा का दौर रहा है, लेकिन उसमें अहिंसा का दौर भी उतनी, उससे भी ज्यादा ताकत से चला है। और जो जो निर्मिति है, जो रचना है, जो निर्माण है, जो नवनिर्माण है, वो अहिंसा के रास्ते से आया है, वो हिंसा के रास्ते से नहीं आया। तो मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी जिंदगियां हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अपनी अपनी जगह पर है, वो आदिवासी है, वो किसान है, वो मजदूर है, वो किसी कारखाने में काम कर रहे हो या कोयले के भट्टों पर काम कर रहे हो, उनकी उनकी जिंदगी की सीख है और जो अहिंसा से आगे बढ़े हैं। आज देश भर में तो ऐसी बहुत सारी जगह पे लड़ाइयाँ चल रही है और हिंसक लड़ाई जितनी चल रही है उससे बहुत ज्यादा अहिंसक लड़ाई चल रही है। और हिंसा की लड़ाई को जिस तरह से कुचला जा रहा है उसकी तुलना में अहिंसा की लड़ाई को कुचलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे निडर लोग जब सामने खड़े रह जाते हैं तब स्टेट पावर, कॉर्पोरेट पावर या किसी पूंजीवादी ताकत के सामने भी वो कम नहीं होंगे।